विमोचन करें। मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। साथियों, पिछले महीने जब रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी तो मैंने एक और बात कही। मैंने कहा था कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश एनडीए और भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते रहे। मुझे खुशी है कि पिछले एक महीने में ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं की नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में भी रोजगार मेले आयोजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। मुझे बताया गया है कि परसों यानी 24 नवंबर को गोवा सरकार भी इसी तरह के रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। 28 नवंबर को त्रिपुरा सरकार भी रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का यह अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिन पदों पर आपकी नियुक्ति होने जा रही है उसे आपने कठिन परिश्रम से कड़ी प्रतियोगिता में सफल होकर हासिल किया है। इसके लिए आपको और आपके परिवार को भी उतना ही हक है बधाई प्राप्त करने का। मेरे युवा साथियों, आपको ये नई जिम्मेदारी
एक विशेष कालखंड में मिल रही है। देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। हम देशवासियों ने मिलकर इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाने का प्रण लिया है। इस प्रण की प्राप्ति में आप सभी देश के सारथी बनने जा रहे हैं। आप सभी जो नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं उसमें आप अन्य देशवासियों के सामने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त होंगे। एक प्रकार से ऐसे में आपको एक और बात याद जरूर रखनी चाहिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए आपको अपनी भूमिका अच्छी तरह समझनी होगी। एक जनसेवक के तौर पर अपनी सेवाएं देने के लिए आपको अपनी क्षमता बढ़ाने, कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी लगातार फोकस करना चाहिए। आज सरकार का प्रयास टेक्नोलॉजी की मदद से हर सरकारी कर्मचारी को बेहतर ट्रेनिंग की सुविधा देने का है। हाल ही में जो कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है उसमें कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध हैं। आज ही आप जैसे नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है। इसको नाम दिया गया है कर्मयोगी प्रारंभ। आप कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्सेज का जरूर ज्यादा फायदा उठाएंगे ही। इससे आपकी स्किल भी अपग्रेड होगी और भविष्य में आपको अपने कैरियर में भी काफी लाभ होगा। साथियों, आज आप ये भी देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी और युद्ध के संकट के बीच पूरे विश्व में युवाओं के सामने नए अवसरों का संकट है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स विकसित देशों में भी बड़े संकट की आशंका जता रहे हैं। ऐसे समय में इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत के पास अपना आर्थिक सामर्थ्य दिखाने और नए अवसरों को बढ़ाने का एक स्वर्णिम मौका है। भारत आज सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गया है। अब एक्सपर्ट्स भरोसा जता रहे हैं कि भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हाउस भी बनने वाला है। इसमें हमारी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ऐसी योजनाओं की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन इसका मुख्य आधार भारत का स्किल्ड मैन पावर, भारत का स्किल्ड युवा ही होगा।